गैस, अभी जो आपने ब्लर इफेक्ट वीडियो प्रीव्यू में देखा है, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल है, और इसी पर आज हम एडिटिंग सीखने वाले हैं कि ऐसा वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो बनाना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहें, और इस वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से ये वीडियो बना लेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन गैस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जब आप वीडियो पूरी तरह से देख लेंगे और अपना वीडियो एडिट कर लेंगे, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। और अगर कोई कमी लगती है, कोई कन्फ्यूजन होता है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। गैस, ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इससे मुझे मदद मिलती है ये जानने की कि आप लोगों के लिए मेरा जो वीडियो है हेल्पफुल है या नहीं, और कोई कमी है तो उसको मैं पूरा कर दूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक वीपीएन कनेक्ट करना होगा, जो कि प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाता है। अगर वीपीएन के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं क्या करना है कैसे करना है, तो उसका लिंक मैं टेलीग्राम पर दूंगी। टेलीग्राम पर गैस मैं सब कुछ दे दूंगी, यानी कि म्यूज़िक वीडियो भी मैं दूंगी, वो भी आपको डाउनलोड करना है। ओके, एंड आपको वो वीपीएन का भी जो ट्यूटोरियल है वो मैं दे दूंगी, अगर आप जानना चाहते हैं कैसे उसको इंस्टॉल किया जाता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है, वो आप देख लीजिएगा वीडियो। एंड कैपकट एप्लीकेशन की ज़रूरत है गाइस वीडियो एडिट करने के लिए, तो ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलता है, शायद आप जानते होंगे। तो गाइस, इस ऐप को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका ट्यूटोरियल भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, लिंक ओपन करना है एंड वहाँ से आपको जो जो नीड है ट्यूटोरियल देख लें। अगर पहले से जानते हैं तो वेरी गुड, आप वीपीएन कनेक्ट करके डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि एडिटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो गैस, बिना किसी देरी के कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। वीपीएन मैं कनेक्ट कर चुकी हूँ पहले ही, आप देख सकते हैं, इससे हमारे जो एफएक्स एनिमेशंस हैं वो अच्छे से वर्क करते हैं कैपकट में। अब गैस, सबसे पहले आपको वो प्रोजेक्ट ले लेना है जो आपने अपना वीडियो बनाया होगा, रिकॉर्ड किया होगा, तो वो आप ले लें। तो यहाँ पर वीडियो इम्पोर्ट करने के लिए आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और अपनी फ़ोन लाइब्रेरी में पहुँच जाते हैं, यहाँ से आप एक वीडियो सेलेक्ट कर लें। एग्जाम्पल के लिए गाइस, मैं ये वाला वीडियो यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ से ऐड आपको कर लेना है। तो अभी हमारी कंप्रेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, हम आ चुके हैं अपने एडिटर के अंदर। ओके, अभी गाइस हम क्या करेंगे, ये हमारा नॉर्मल वीडियो है, सबसे पहले हम यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे इसका। ये आपको फॉर्मेट मिल जाएगा और फॉर्मेट सेलेक्ट करना है आपको 9:16, तो ये आप देख सकते हैं। वीडियो के ऊपर क्लिक करें और इसको एडजस्ट कर लें इस तरह से, आप देख सकते हैं। ये मैंने रैंडम वीडियो लिया हुआ है डाउनलोड करके, तो आपका जो अगर फुल वीडियो है तो आप ले लें, यहाँ पर केवल मैंने एक लेग्स की वीडियो है वो ले ली है। ओके, तो आपको केवल एडिटिंग पे ध्यान देना है, इसको इग्नोर करें कि वीडियो किस टाइप का है। ओके, अब गाइस आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले म्यूज़िक ऐड कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि म्यूज़िक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको म्यूज़िक वीडियो डाउनलोड करना है। वीडियो आपकी फ़ोन लाइब्रेरी में सेव हो जाता है जब, देन आपको यहाँ से वीडियो से ऑडियो को, यानी कि म्यूज़िक को एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इसके लिए आप यहाँ ऐड ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक्सट्रैक्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, और वो वीडियो ले लेंगे जो टेलीग्राम से डाउनलोड किया था, तो ये हम ले लेते हैं। यहाँ से इम्पोर्ट साउंड ओनली आपको करना है। ओके, और यहाँ पर आपका साउंड ऐड हो जाता है। अभी मैं क्या करूँगी, साउंड के अकॉर्डिंग अपने वीडियो की ट्रिमिंग करूँगी और बाद में आपको ड्यूरेशंस बताऊँगी कि क्या आप रखेंगे। ओके, आपने देखा होगा मैंने कैसे यहाँ से स्प्लिट करा है वीडियो को और ड्यूरेशन रखी है मैंने फर्स्ट क्लिप की, यानी कि दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया वीडियो को, और इसकी ड्यूरेशन आप रखेंगे 5.6 सेकेंड। आप देख सकते हैं वीडियो के ऊपर क्लिक करके आपको समझ आएगा। ओके, उसके बाद सेकेंड वीडियो है जो कि हमारा म्यूज़िक तक आएगा, 4.9 सेकेंड या फिर 5 सेकेंड भी हो सकता है, ये आपको म्यूज़िक तक रखना है। तो इस तरह से आप म्यूज़िक तक रखेंगे, बाकी आपको फर्स्ट वीडियो का ध्यान रखना है कि 5.6 सेकंड आपको ड्यूरेशन रखनी है। अब गाइस हमें क्या करना है, हमारा जो फर्स्ट क्लिप है इसमें हमें ब्लर इफेक्ट अप्लाई करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से बैक कर लेंगे, बैक आ जाएंगे और यहाँ से इफेक्ट्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर वीडियो इफेक्ट्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से गाइस हेलो ब्लर का आपको ऑप्शन मिलता है,
हेलो ब्लर का जो इफेक्ट है इसको आपको अप्लाई कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, इसको गैस आपको इस तरह से ले लेना है, तरह से स्टार्टिंग से लेना है और यहाँ से स्प्लिट कर लें, यानी कि सेकंड वीडियो जहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ से आपको स्प्लिट कर लेना है यहाँ तक। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो वीडियो है यहाँ से ब्लर इफेक्ट आएगा। ओके, और एक चीज़ मैं और बता देती हूँ गैस, इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे उसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि इसका जो ब्लर इफेक्ट है उसको आपको कितना रखना है ये आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, या कम रखना है तो आप कम कर सकते हैं। तो हम इसे ज़्यादा रखेंगे और यहाँ से डन कर लेंगे। ओके, तो ये गाइस इस तरह से आपका वीडियो ब्लरी बनता है और यहाँ से आपका जो वीडियो है वो नॉर्मल आएगा इस तरह से। और नॉर्मल वीडियो जो है आप इसको चाहें तो स्पीड आप इसकी स्लोमो कर सकते हैं, या फिर स्पीड आप सेम रखें जो कि आपका वीडियो है। तो अगर सेम भी रखेंगे तो भी वीडियो आपका वैसा ही बनता है। अगर आप इसको स्लोमो करना चाहें तो स्लोमो में भी अच्छा लगेगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से स्पीड सेट करेंगे, वीडियो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से स्पीड सेट कर लें। नॉर्मल है तो नॉर्मल, कर्व करना है तो इसको आप कर्व कर सकते हैं। यहाँ पर गैस आपको अलग अलग तरह की स्पीड मिलेंगे, यानी कि आपने देखा होगा वीडियो में कि कभी थोड़ा सा वीडियो स्लोमो में चलता है, फिर थोड़ा सा स्पीड में चलता है, फिर से स्लोमो में चलता है। तो इस तरह के इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो भी आपको इनमें से पसंद। जैसे कि ये मॉन्टेज है तो मॉन्टेज में आपको इस तरह से मिलेगा, थोड़ा सा स्पीड थोड़ा सा। तो ये भी करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका वीडियो बनेगा। ओके, तो इस तरह से आप कर लें और यहाँ से डन कर लें। और इसको आप थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें, यानी कि म्यूज़िक तक आप बढ़ाना चाहें, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। वीडियो आपका परफेक्ट बनता है, एकदम बढ़िया। और वीडियो आपका कंप्लीट हो चुका है, बस यही है इस वीडियो में गाइस, कुछ भी नहीं है, बस ब्लर इफेक्ट आपको लगाना है और इसमें थोड़ा सा स्पीड आपको सेट करनी है। वीडियो कंप्लीटेड। गाइस आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको यहाँ टॉप राइट कॉर्नर से फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइस यहाँ से डन आप कर लें। ओके, और वीडियो आपका कंप्लीट हो जाता है, आपके फ़ोन गैलरी में सेव हो जाता है। और इस तरह से इजीली आप कैपकट ऐप की मदद से और वीपीएन की मदद से इस वीडियो को कंप्लीट कर पाएंगे। तो गाइस कैसा लगा है ये वीडियो मुझे कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है, याद रहे। और अगर चाहते हैं कि इसी तरह की ट्रेंडिंग वायरल रील से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मेरे चैनल के थ्रू मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।